नमस्ते व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी आज ही मेरा मूड बन रहा था कि क्यों ना आज बीन सैलड बनाया जाए, और बीन सैलड भी मैं एक्चुअली थोड़ा सा चटपटा टाइप बनाती हूँ, तो आपके साथ ये बीन सैलड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैं आज। और जी साथ में मेरी बेटी की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बीन सैलड नहीं खाना, मुझे बर्गर बना कर दें, तो साथ में उसके लिए बर्गर भी बनाना था। खैर जी इसमें मैंने बीन्स ऐड किए हैं, मैंने बॉयल चने हैं वाइट चिकी पाई वो ऐड किए हैं, इसमें छोटा सा मैं अनियन ऐड करूँगी, और इसमें मैं एप्पल्स के चंक्स ऐड करूँगी, और ग्रीन चिली ककम्बर और टोमेटो ऐड करूँगी। तो खैर जी इसमें ये मैंने कॉकटेल भी निकाला है। मज़े की बात बताऊँ, ये कॉकटेल मैंने एक्चुअली फ्रिज में रखा हुआ था, तो वो जो है ना फ्रिज में इसका जो कवर है नमी की वजह से वो उतर गया, थोड़ा सा उतरा था, बाकी मैंने खुद ही उतार दिया। तो खैर जी अभी मैंने इसमें ककम्बर के पीस छोटे छोटे से काट के डाले हैं। अब ये टोमेटो है, इसके मैंने बीज सारे जो है वो निकाल दिए हैं। अब इसके वो मैं छोटे छोटे इसके पीसेस करूँगी और वो इसमें ऐड करूँगी। और साथ में जी मैं अपनी बेटी के लिए पैटी बर्गर बना रही हूँ, और इसको मैंने सिंपली जो है वो तवे पे फ्राई किया है। मैं डीप फ्राई इसको नहीं करती, बस हल्का सा इसको मैं ये तवे पे ऑयल डालकर इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और जी ये मैंने टोमेटो इसमें काट दिए हैं, साथ में ये भी बना रही हूँ। और प्याज जो है वो मैंने पानी में काट के रखे थे ताकि अच्छे से धुल जाए, अब इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। क्योंकि मेरी बेटी का तो मूड स्विंग हो चुका था, उसने कहा जी मुझे बर्गर खाना है, लेकिन मेरा मूड तो सैलेड का था, तो मैं अब अपने लिए सैलेड बना रही हूँ। और साथ में जी ये इसको भी चेक करेंगे, ये भी देखें एक साइड से तो ब्राउन हो चुका है और ये साइड अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई ब्राउन। ओहो ये तो बहुत मस्ती कर रहा है, देखें ओह नाउ। ओके जी इसको फ्राई करेंगे। अब इसी में मैं उसका बहुत सिंपल सा बर्गर बनाऊंगी, बिकॉज बच्चे तो स्पाइसेस इतने लेते नहीं हैं। और इसको हल्का सा रोस्ट करूंगी मैं इसके ऊपर, और साथ में इसके अंदर ये मैं चीज़ ऐड कर दूंगी। ये मैं कॉकटेल भी इसमें ऐड करूंगी, इसके चंक्स ऐड करूंगी, और इसका थोड़ा सा सीरम भी ऐड करूंगी कॉकटेल का, इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। तो खैर जी ये मैं अभी ले रही हूँ चीज़, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बच्चे शौक से खा लेते हैं ना। तो अब ये गरम गरम बर्गर के ऊपर मैं रखूँगी चीज़, खैर चीज़ नहीं पहले रखूँगी जी, पहले इसके ऊपर मैं मायोनीज़ और केचप की कोटिंग करूँगी, क्योंकि मैंने इसके लिए दूसरा सॉस नहीं बनाया, जो बेसिकली बर्गर के लिए मैं आम बनाती हूँ वो सॉस नहीं बनाया, बिकॉज़ वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, वो चिली सॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सिंपल सा है, इसमें मैंने सिंपल केचप और मायोनीज़ जो है वो ऐड की है, उसको स्प्रेड कर दिया है जी मैंने इसमें, और इसके ऊपर सिंपली मैं ये एक चीज़ रखूँगी, और इसके ऊपर गरम गरम जो है मैं ये चिकन पैटी रख दूँगी, और इसको हम कर देंगे कवर। ये हो गया जी बर्गर हमारा रेडी, हमारा तो नहीं शायद मेरी बेटी का, बिकॉज मेरा कोई मूड नहीं था बर्गर खाने का, और मेरा तो मूड सिर्फ था सैलड के लिए। तो ये जी मैंने अपनी बेटी के लिए बर्गर रेडी कर दिया है। अब इसको मैं इसके मैं 2 पीसेस कर दूंगी ताकि उसको खाने में ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आपको भी मैं जी इसकी लुक चेक कराती हूँ, ये देखें जी इसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है, द यमी बर्गर। चलें जी अब आते हैं हम अपने सैलड की तरफ, उसकी कंडीशन देखती हूँ। तो जी अब इसमें मैं कॉकटेल ऐड करूँगी, मैंने इसमें जो है ना बारीक बारीक वो चिली सॉस, चिली भी ऐड कर दी, सॉरी सॉस नहीं। ओके जब ये इमली का पल्प है, इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी, और इसका थोड़ा सा मैं इसका सीरम ऐड करूँगी, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, और इसको थोड़ा सा डिसॉल्व होने दूँगी शुगर को। और अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करूँगी, इसमें मैंने ये जी सॉल्ट ऐड किया है, और ये रेड चिली पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, और इसमें मैं ये सॉस ऐड कर रही हूँ, चिली सॉस है वो ऐड कर रही हूँ, और मैं इसमें जी सोया सॉस ऐड करूँगी थोड़ा सा, ये इसमें मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी। अब इसको मैं अच्छे तरीके से जी मिक्स करूँगी,
और इसके अंदर फिर हम कॉकटेल जो है वो ऐड करेंगे। और अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसे भी काम चलेगा। तो जी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ किशमिश। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है, बड़ा मज़े का टेस्ट लगता है, वो खट्टा मीठा सा हो जाता है ना टेस्ट ही, वो वैसा टेस्ट आता है। तो अभी जी इसमें मैं कॉकटेल ऐड कर रही हूँ, बहुत मज़े का इसका जो है टेस्ट आएगा। आप इसकी शक्ल भी देख रहे होंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि इसका आपको हर बाइट में कितना यमी टेस्ट आएगा। तो जी ये मैंने सारा जो है इसकी ड्रेसिंग के लिए इसको मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सारा भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको सेपरेट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें एक्चुअली हाफ ऑफ करके कन्वर्ट करूँगी, ऐड करूँगी ताकि इसका ज़बरदस्त फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। जितना मुझे रिक्वायर होगा उतना रख लूँगी और सॉरी उतना इसमें ऐड कर दूँगी, बाकी रख लूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो मैं उसमें ऐड कर लूँगी। सो ये देखें जी मेरा यमी सा सैलड जो है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद जी मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि हमें आइसक्रीम बना कर, तो जी मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं आधा किलो दूध जो है वो ऐड करूँगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप भी बना कर रख सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त आपको टेस्ट इसका मिलेगा। अच्छा मैंने ठंडे दूध में ही 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं और इसको मैं अभी मिक्स करूँगी, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। तो जैसे ही ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी और फिर इसको बॉयल होने दूँगी। तो खैर जी ये देखें मैंने बॉयल कर लिया है, इसमें मैंने 1 कप चीनी का ऐड किया है वो भी भर कर। और जी अब मैं इसका फ्लेम जो है वो थोड़ा सा हाई कर दूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये बॉयल हो जाए और ये अपनी थिकनेस में आ जाए। अब आपने इसको इतना पकाना है कि आपका ये जो हाफ के जी दूध है इसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाए, वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाए। आराम आराम से आपने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको भी वैसा ही ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। तो है जी मैंने एक बाउल है मैंने ये जो फ्रेश क्रीम होती है मैंने वो इसमें ऐड करनी है। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप इसको जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी हम शेक बनाते हैं उस जग में आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। आप इसमें टेट्रा पैक की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर पे ये फ्रेश क्रीम अवेलेबल थी तो मैंने वही इसमें ऐड की है। और ये देखें जी आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं कितना स्मूदी सा हो गया है। इसको आप तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आप अच्छे तरीके से कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि ये थिक हो जाए। ओके जी इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। अब इसका मैं फ्लेम ऑफ करके इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको मैं क्रीम के साथ जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी। सो ऑलरेडी मैंने हैंड बीटर से भी क्रीम जो है उसको बीट किया था, लेकिन अब आपको दिखाने के लिए अब इसको मैं जग में ऐड करूँगी, जो ग्राइंडर जग होता है उसमें ऐड करूँगी। क्रीम ऐड की है मैंने, इसके अंदर जी वनीला एसेंस भी यूज़ करूँगी। अब ये जो दूध जो है मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था, अब क्रीम के साथ इसको मैं ऐड करूँगी। बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये, और इसमें 1 टेबल स्पून जो है मैं वनीला एसेंस ऐड करूँगी। बहुत ज़बरदस्त का जी फ्लेवर और टेस्ट आता है। इसको जी मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि बहुत ही स्मूदी सा इसका पेस्ट बन जाए, स्मूदी सा टेक्सचर इसका बन जाए। तो खैर जी ये मेरे पास एक बॉक्स था, ऑलरेडी आइसक्रीम बॉक्स था, इसी में मैं ऐड करूँगी और इसको मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए अभी फ्रीज़ करूँगी। 2 घंटे के फ्रीज़ करने के बाद इसको मैं दोबारा ब्लेंड करूँगी। सो ये देखें जी इसको मैं जी फ्रीज़ हो चुका है ये, अब मैं इसको दोबारा जग में ऐड करके इसको मैं बीट करूँगी। सो जी ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको ब्लेंड किया था, अगेन अब मैं इसमें दोबारा उसी बॉक्स में ऐड करूँगी। ये देखें जी इसको मैंने 2 दफ़ा अच्छे से ब्लेंड किया है ताकि हमें बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिले, इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जी ये मैंने 2 ओरियो लिए थे, इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया था, सॉरी चॉप कर लिया था, छोटे छोटे इसके बारीक से पीसेस कर लिए थे, वो इसमें मैंने थोड़े से इसमें ऐड किए हैं।
और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। आपको बहुत ज़बरदस्त इसका जो है वो टेस्ट मिलेगा, एज़ इट इज़ जैसे कुकीज़ मेनिया का होता है टेस्ट, आपको सेम वैसा टेस्ट मिलेगा। और अब मैं इसके ऊपर टॉपिंग कर दूँगी इसकी, इसमें थोड़ा सा मैं और, एक्चुअली ये 3 पीसेज होते हैं, इसमें मैंने इसको सबको ही बारीक बारीक जो है इसका पाउडर सा बना लिया था। बारीक बारीक से इसके जब चंक्स आते हैं तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। एक तो वनीला का एक्चुअली अपना बहुत मज़े का टेस्ट होता है, और जब आप इसके अंदर ये छोटे छोटे से बारीक ओरियो के पीसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर मिलेगा। तो ये हो गया जी, अब मैं इसके ऊपर टॉपिंग करूँगी। इस थोड़ा सा ये जो है वो पाउडर रह गया था, अब मैं वो इसको ऐड करूँगी। तो ये हो गई है जी हमारी आइसक्रीम रेडी, लेकिन आपने इसको ओवरनाइट जो है वो फ्रीज़ करना है। मैंने इसको एक्चुअली ओवरनाइट फ्रीज़ किया है, और ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद ये जी आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वो ख़राब हो गया था क्योंकि मैं ये बार बार चेक कर रही थी कि फ्रीज़ हो चुका है कि नहीं। तो ये देखें जी, अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक कराती हूँ। सो यमी एंड सो डिलीशियस, आप इसकी चेक कर सकते हैं, बहुत स्मूथ सा बना है। यमी, अब मैं आपको खा के बताती हूँ। यमी, सो डिलीशियस। आई होप कि आपको मेरी बहुत सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और मेरी वीडियो ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।